हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड इंथैल्पी ऑफ कम्बशन के बारे में। देखो, है तो ये चैप्टर बहुत इजी, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें सिली मिस्टेक करते हैं, तो आपसे वो सिली मिस्टेक ना हो और आपका क्वेश्चन सही सही बने, इसके लिए रफ़ी सर आपके लिए लेके आए हैं कंसेप्ट एंड ट्रिक्स। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो कहीं पे भी डेल्टा एच एफ ऐसा लिखा हो तो डैट इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और अगर उस पर पावर जीरो लगा दे तो इसका मतलब हो गया स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड का मतलब प्रेशर 1 bar या 1 atm लेना आपको। टेम्परेचर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर डैट इज 298 kelvin लेते हैं। तो ये हो गया स्टैंडर्ड का मतलब। अगर पावर जीरो नहीं दिखाया, सिर्फ ऐसे लिखा है डेल्टा एच एफ, तो ये नॉन स्टैंडर्ड हो गया। डैट मीन्स 1 bar या 1 atm प्रेशर को छोड़ करके किसी भी प्रेशर पे है तो उसको सिर्फ बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। राइट, नाउ व्हाट है फॉर्मेशन। फॉर्म किस साइड होता है, प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। राइट, तो इसलिए फॉर्मेशन में 3 major इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी आप उस रिएक्शन की इंथैल्पी को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर बोल सकते हो। फॉर्मेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान से सुनो। पहली चीज़ तो 1 mole, देखो मैंने क्लियरली लिखा है 1 mole आपको प्रोडक्ट का फॉर्म करना है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से फॉर्म करना है। राइट, और तीसरा, वो जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो मोस्ट एबंडेंट फॉर्म में लेना आपको, जो सबसे ज़्यादा नेचर में एग्जिस्ट करता है वो उस वाला लेना है। मुझे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 लिखना है, तो जैसे ही CO2 बोला तो उसका 1 mole फिक्स कर दो इधर। देखो मैंने लिखा है क्लियरली 1 mole ऑफ CO2 ना। तो क्वेश्चन इज कि सर 1 mole ही क्यों, तो इसको मैं सिंपल वे में समझाता हूँ कि जब कभी आप किसी जनरल स्टोर पे जाते हो, किराना स्टोर पे, तो आप अगर पूछते हो कि शुगर का दाम कितना है तो डेफिनेटली वो 1 kg का बताता है। क्यों, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, उसके बाद आपको जितना लेना होगा उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लेंगे। राइट, या फिर आप कपड़ा लेने जाते हो तो 1 meter का वो बताता है, एटसेक्टा एटसेक्टा, समझ गए। तो इसलिए हमें ऑलवेज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 mole का पता होना चाहिए, उसके बाद जितने मोल्स का निकालना है वो हम निकाल लेंगे। तो 1 mole CO2 फॉर्मेशन मतलब प्रोडक्ट में आपको जाना है तो 1 mole उसका कर देना। और इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन है इसमें, देखो कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन लेना और ऑक्सीजन लेना है। कार्बन किस फॉर्म में मिलता है, मोस्ट एबंडेंट फॉर्म, तो सॉलिड फेज में मिलता है। राइट, और उसमें भी कौन सा लेना है, चूँकि इसके 2 electrons हैं तो ग्रेफाइट ज़्यादा मिलता है, डायमंड बहुत कम मिलता है। राइट, तो इसलिए क्यों, क्योंकि डायमंड अगर मिल जाता सब लोग अमीर होते। और ऑक्सीजन आपको गैस फॉर्म में मिलता है, तो ये इस रिएक्शन में जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। नाउ फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मुझे लिखना हो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो अल्कोहल लिक्विड फेज में मिलेगा तो इसलिए लिक्विड लगाना पड़ेगा, यहाँ पर अगर गैस लगा दिया तो फिर नहीं होगा। राइट, क्यों, क्योंकि मोस्ट एबंडेंट फॉर्म में होना चाहिए, तो ये लिक्विड फॉर्म मिलता है और इसका 1 mole ही लेना, इसलिए 1 किया। अब इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो कार्बन लेना है सॉलिड फेज में मिलता है और ग्रेफाइट वाला लेना है, हाइड्रोजन लेना है गैस फेज में, ऑक्सीजन लेना है गैस फेज में। आप इधर स्टॉइकोमेट्री को आपको 1 रखना है, इधर आप चेंज नहीं कर सकते प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में चेंज कर सकते हैं। राइट, चूँकि यहाँ पे 2 carbon है तो यहाँ मुझे 2 लेना पड़ा, यहाँ पे 6 hydrogen है तो 3 लेना पड़ा, यहाँ पे 1 ही oxygen है तो 1/2 करना पड़ा। इधर चेंजेज हो सकते हैं बट इधर नहीं हो सकता। तो अब इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी रिलीज होगी, इस रिएक्शन की जो भी एनर्जी होगी, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस अल्कोहल C2H5OH, ये कहने का मतलब हुआ। अब ध्यान से देखो, सम ऑफ द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा। फॉर एग्जांपल कैसे, H2 गैस, ये नेचर में आपको अपने आप मिल जाता है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसका फॉर्मेशन ऑलवेज 0 रहेगा। O2 गैस, इसका फॉर्मेशन 0, N2 गैस फॉर्मेशन 0, कार्बन में ग्रेफाइट और सॉलिड वाला तो 0, लेकिन कार्बन में ग्रेफाइट और गैस हो जाए तो 0 नहीं, क्यों, क्योंकि सॉलिड को गैस में ले जाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए ये सब पॉइंट पे ध्यान रखना, जो I2 सॉलिड फेज में मिलता है तो उसका 0, लेकिन I2 गैस होगा तो फिर 0 नहीं होगा। सिमिलरली ब्रोमीन लिक्विड फेज में मिलता है तो ब्रोमीन लिक्विड का 0, लेकिन ब्रोमीन सॉलिड हो, ब्रोमीन गैस हो तो फिर उसका 0 नहीं होगा। तो दीज आर द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जिसका 0 है। सिमिलरली जिसका 0 नहीं होगा, जितने भी कंपाउंड जैसे वाटर लिक्विड,
तो इसका जीरो नहीं होगा, इसको हमें बनाना पड़ेगा, CO, CO2 एक्सेट्रा जितने भी कंपाउंड है। सिमिलरली एटम में जैसे H गैस, तो ये इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, इसके बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, हमें एनर्जी देना पड़ेगा, तो इसलिए इसका जीरो मत ले लेना। एलोट्रॉप में जैसे कार्बन डायमंड वाला, तो वो जीरो नहीं होता है। फॉस्फोरस रेड वाला, वो जीरो नहीं होता है। वाइट वाले का जीरो होता है। ओजोन, इन सब का जीरो नहीं होगा। तो ये सब पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा, बात समझ में आ गई। तो पॉइंट इज कि अगर कोई अपने मोस्ट एबंडेंट फॉर्म में है और जो नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है उसी में है, तभी उसका जीरो होगा, अदरवाइज जीरो नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब क्या क्या है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जनरली नेगेटिव होता है, राइट, दैट मीन्स एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक होता है, बट जरूरी नहीं है। जनरली वर्ड लिखा मतलब कभी कभी इंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो जनरली जो स्टेबल अगर प्रोडक्ट है तो नेगेटिव होगा, अनस्टेबल प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव होगा। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। जैसे ओजोन एक अनस्टेबल है, तो अगर ओजोन बना रहे हो तो डेफिनेटली आपको एनर्जी देना पड़ेगा, तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव होगा। नाउ किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी आप निकाल सकते हो अगर सभी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। जैसे देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट गिवन है, उसको उसके स्टोइकोमेट्री से मल्टीप्लाई कर दो और जितने भी प्रोडक्ट है सबका ऐसे करके सम कर लो, उसके बाद माइनस। सिमिलरली रिएक्टेंट में उसके जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको रिएक्टेंट का गिवन है उसको उसके स्टोइकोमेट्री से मल्टीप्लाई करके सम कर लो और दोनों को माइनस कर दो, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। याद कैसे रखेंगे, इसमें बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। तो फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना, ध्यान दें, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, FPR से याद रखेंगे, फिंगरप्रिंट, राइट। तो फॉर्मेशन में ऑलवेज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे। अगर ये फॉर्मूला आप कब लगाओगे, जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गिवन है। कभी कभी क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन नहीं होगा और ना ही उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, तो फिर आपको जीरो लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे N2 3H2 गिव्स यू 2NH3। तो पहली चीज़ कि इस रिएक्शन में जो भी एनर्जी चेंज होगी डेल्टा H रिएक्शन, उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते बताओ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने दो मोल्स बना लिया, हमें कितना बनाना था, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो इसलिए ये रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो यही सब पॉइंट पे गलती करवाता है एग्जाम में। तो कैसे होगा, तो इसका 1 मोल बनाना, इसलिए इधर 3/2 है, 1/2। तो ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, और इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 के बराबर भी होगा। कैसे हुआ वो ध्यान से देखो, क्योंकि फार्मूला आपके पास ये है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट में कौन है, NH3, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इनटू उसका स्टोइकोमेट्री कितना, 1, राइट, माइनस प्रोडक्ट खत्म हो गया, माइनस रिएक्टेंट में कौन कौन है, N2 और H2, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 स्टोइकोमेट्री 1/2, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 स्टोइकोमेट्री 3/2। अब यही जो रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज होगी वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि नेचर में आपको वो उसी फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, अबंडेंट फॉर्म में, तो उसका हमें जीरो लेना है। सिमिलरली H2 इसका भी जीरो हो जाएगा, राइट। तो इसलिए क्वेश्चन में इन दोनों का आपको गिवन नहीं होगा, तो आपको किसका गिवन होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। तो अगर वो पुट कर दोगे तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ गया, या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। तो बस ये सिंपल इस टाइप से आपको थिंक करना है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, अब आप आगे से बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, राइट। तो अगेन वही, पावर जीरो होगा तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलेंगे, और अगर नहीं लगा होगा तो सिर्फ एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड का वही मतलब है 1 bar प्रेशर या 1 atm, और टेम्परेचर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नहीं मेंशन है तो 298 केल्विन। कंबशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 1 mole रिएक्टेंट का बर्न करना है। रिएक्टेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, दैट डजंट मैटर। एक्सेस ऑफ एयर, दैट मीन्स एयर की कमी नहीं आपके पास, एंड फॉर्म क्या करेगा, स्टेबल ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होंगे उसमें उसका स्टेबल ऑक्साइड बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, उसका स्टेबल ये है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनाना है। हाइड्रोजन अगर होंगे तो H2O लिक्विड बनाना है, राइट। सिमिलरली सल्फर होगा तो SO2 गैस बनाना है, ये पॉइंट है। नाउ जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में लिया हूँ कि जैसे अगर ये रिएक्शन हमने लिखा तो कार्बन सॉलिड फेज में मिलता है, राइट। यहाँ पे भी वो पॉइंट मेंशन रहेगा कि उसके मोस्ट एबंडेंट फॉर्म वाला लेना है,
और ग्रेफाइट हो गया वो ऑक्सीजन में बन के तो CO2 गैस मिला। तो ध्यान दें यहाँ पे रिएक्टेंट का 1 मोल होना चाहिए, तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये दिखाया है। तो रिएक्टेंट का 1 मोल है, तो इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी चेंज होगी, इस रिएक्शन की जो भी एंथैल्पी होगी, वही एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट भी हो जाएगा। सिमिलरली ध्यान से देखो, तो अगर मीथेन है तो उसका मैंने 1 मोल फिक्स कर दिया, यहाँ पे रिएक्टेंट में 1 मोल फिक्स कर देना है। तो 1 मोल को बन गया तो CO2 और H2 मिलेगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन है एलिमेंट यहाँ पे। इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी चेंज होगी, वही एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 के बराबर हो जाएगा। पॉइंट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होते हैं आफ्टर कंप्लीट कंबशन, उनका एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या लेते हैं हम, 0। जैसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CO2 तो 0, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ O2 तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही कंबस्ट करने की जरूरत है, तो उसका भी 0 होगा। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ वाटर जो यहाँ बना, तो उसका भी 0। तो इस पॉइंट पे ध्यान देना, कभी भी जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं आफ्टर कंप्लीट कंबशन, उनका एंथैल्पी ऑफ कंबशन हम 0 लेते हैं। और एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑलवेज निगेटिव होगा, हमेशा निगेटिव होगा, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इस पॉइंट का ध्यान रखना, फॉर्मेशन जनरली निगेटिव था बट ये ऑलवेज होंगे। अगेन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम निकाल सकते हैं अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन हो तो, बट यहाँ पे ध्यान रखना पहले रिएक्टेंट है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट इंटू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, उन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, उसके बाद माइनस कर देना है। सेम उसी तरह से प्रोडक्ट का निकालना है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू देयर स्टोइकोमेट्री, और आपको माइनस कर देना है। याद कैसे याद रखेंगे, तो CRPF से कंबशन में रिएक्टेंट माइनस आपको प्रोडक्ट करना है। बात समझ में आ गई, कंबशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली रिएक्शन अगर हमने लिया कार्बन सॉलिड में और ग्रेफाइट है, अगर सपोज करो उसको ऑक्सीजन में बन गया तो CO2 गैस मिला। इस रिएक्शन की इंथैल्पी अगर मुझे लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करके, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट तो कौन हो गया, कार्बन सॉलिड इनटू 1, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्री है 1, तो इनटू में 1, प्लस इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्सीजन तो वो तो 0 ही हो जाएगा, राइट, यहाँ से आप देख सकते हो, तो ये तो 0 हो गया। माइनस अब प्रोडक्ट का करना है माइनस, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CO2 तो वो भी 0, आप यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। तो किसके बराबर हो गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। तो इसलिए अगर मैं इसी रिएक्शन को अगर ऐसे लिखूं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन से, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 पहले प्रोडक्ट इनटू उसका स्टोइकोमेट्री 1, वो करना नहीं भूलेंगे, माइनस ये प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट का कैसे लिखेंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 0, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड 0, क्योंकि ये आपको नेचर में अबंडेंट फॉर्म में ऐसे ही मिलते हैं। तो ये किसके बराबर हो गया, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या कन्फ्यूजन आपका हटाना चाह रहा हूँ, कि रिएक्शन जो की जो इंथैल्पी है वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 के बराबर भी है और इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट। डैट मीन्स एक ही रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और इंथैल्पी ऑफ कंबशन को भी, बट ओनली कंडीशन इज कि बस वो हमारे जो फॉर्मूला है, जो हमारा कंसेप्ट है, उसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर एक ही रिएक्शन फॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, कंबशन को भी। तो आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट डैट इज हेस लॉ, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी सिंपल। इसका कहना यह है कि अगर कोई ए से बी गया तो डायरेक्ट भी जा सकता है, या पहले ए से सी गया, फिर सी से डी, फिर डी से बी, एटसेट्रा, राइट। तो ए से बी में अगर इंथैल्पी चेंज जेड है, तो अगर मैं इस रास्ते से जाऊँ तो इंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये दोनों इक्वल होंगे। तो वही कहना चाह रहा है कि डेल्टा एच ऑफ ए बी इज इक्वल टू जेड, डेट इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर दूसरा पाथ अगर उसने यूज किया तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्यों, क्योंकि इंथैल्पी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, तो वो डिपेंड ही नहीं करता किस पाथ से गया। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो किसी भी पाथ को फॉलो करो, डेल्टा एच सेम आने वाला है, और इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसलिए हम डायरेक्टली ऐड भी कर पा रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये कि अगर ए से बी का डेल्टा एच जेड है, तो बी से ए का रिवर्स करोगे तो डेल्टा एच वैल्यू वाइज तो वही रहेगा, लेकिन सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबका गिवन है और इस रिएक्शन का इंथैल्पी पूछा है। तो फॉर्मेशन में ऑलवेज फिंगरप्रिंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या है CO2, राइट, और क्या HCl।
तो ध्यान दो, CO2 का हमें लेना है कितना है। अब ये नहीं कि जितना वैल्यू गिवन है वही लो, अप्रॉक्स कैलकुलेशन क्या करो, क्यों, क्योंकि ऑप्शन गिवन है, राइट। तो इसको मैं ले लूँगा अप्रॉक्स में माइनस में 400, और HCl का एक मोल का गिवन है, ध्यान दे हमें चार मोल का चाहिए, तो 92 को भी अप्रॉक्स 100 ले लो, तो ये माइनस में 400, राइट। और रिएक्टेंट में वाटर है, उसका कोफिशियंट 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा, 500 के आसपास, राइट। और इसका 1 है तो इसको ऐसे ही रहने दो, तो इसको कितना ले लोगे, 100 के आसपास। तो यू नो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में कौन कौन है, माइनस में 400, माइनस में 400, राइट, और माइनस ऑफ इसका माइनस में 500, माइनस में 100, ऑलवेज अप्रॉक्स कैलकुलेशन। तो ये कितना आ गया, माइनस में 800 और ये प्लस में 600, डेट मीन्स माइनस में 200 के आसपास। और ये ध्यान रहे कि चूंकि हमने वैल्यू ज़्यादा करके लिया है, तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो 200 से कम वाला, तो 200 से कम वाला ध्यान से देखो, एक ही ऑप्शन है, ये तो हो नहीं सकता ज़्यादा हो गया, ये तो बहुत ही कम हो गया, और ये भी बहुत कम है। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन कर करके आप आंसर लाओगे तो आपको कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन बस इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप इसमें टाइम वेस्ट करो। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में एंथैल्पी ऑफ कम्बशन आपको गिवन है, इस रिएक्शन का एंथैल्पी बताना है। तो कम्बशन में हमने आपको बताया CrPf, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में कौन है, C2H2, उसका कोफिशियंट 3 है, तो यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस में 3900, राइट। और प्रोडक्ट C6H6 है, इसका कोफिशियंट 1 है, तो ये 1 ही रहेगा। तो यू नो जो रिएक्शन की एंथैल्पी होगी, वो ध्यान दें यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो माइनस में 3900, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 3268। तो आप ध्यान से देख सकते हो, अगर ये 3200 लेते तो 700 होता, तो उससे कम, और माइनस वाला बड़ा है तो उससे कम माइनस में, यही है, ये नहीं कि आपको पूरा कैलकुलेशन करना। क्वेश्चन नंबर 3 में इंथैल्पी ऑफ कम्बशन गिवन था और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH लिक्विड पूछा गया है। तो सबसे पहले आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख दो, कैसे लिखेंगे आपको बता रखा हूँ। प्रोडक्ट में आप C2H5OH लिक्विड लिख दो, इसका 1 मोल करना 1 लिख दो, किससे बनाना है, इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से कौन कौन है, कार्बन सॉलिड वाला, और कौन है, हाइड्रोजन गैस, और कौन है, ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे 2 कार्बन है, बैलेंस कर दो 2, इधर हम चेंज कर सकते हैं, इधर चेंज नहीं कर सकते, 1 रखना है क्योंकि फॉर्मेशन की बात हो रही है। 6 हाइड्रोजन है तो 3, ऑक्सीजन एक ही है तो हाफ, ये हो गया। तो इस रिएक्शन का जो भी इंथैल्पी चेंज होगा, वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, वी कैन से कि दिस रिएक्शन इंथैल्पी इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH लिक्विड। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं इस रिएक्शन की इंथैल्पी कैसे निकाल सकता हूँ, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है कम्बशन। कम्बशन में हमने क्या ट्रिक दिया था, CrPf, कम्बशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। रिएक्टेंट कौन है, ध्यान से देखो, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का गिवन है आपको, यस कार्बन का गिवन है, और कौन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आपको गिवन है, यस हाइड्रोजन का गिवन है, और कौन है, ऑक्सीजन, तो इसका नहीं गिवन है, तो ऑब्वियसली बात है वो 0 होगा, राइट। तो आपको कार्बन और हाइड्रोजन का लेना है, ध्यान दे कार्बन का 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हाइड्रोजन को 3 से, तो कार्बन का 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, इसको कितना ले लोगे अप्रॉक्स में 400, तो कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे, अप्रॉक्स में माइनस में 800, और इसको 3 से करना है 240 ले लो, तो कितना आ जाएगा ये अप्रॉक्स में माइनस में 720। इन दोनों को ऐड करना है तो अप्रॉक्स में कितना हो गया, माइनस में 1520, राइट। उसके बाद प्रोडक्ट का माइनस करना है, प्रोडक्ट में कौन है, ये, और कितना 1, तो 1 ही चाहिए, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस प्लस 1230 ले लो। अब आप देख सकते हो कि अप्रॉक्स में ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, तो डेफिनेटली ये 300 के आसपास वाला आएगा। अब ऑप्शन ध्यान से देखो कौन सा होगा, 300 के आसपास वाला, चूंकि हमने ज़्यादा लिया है तो उससे कम वाला लेना है, तो उससे कम वाला कौन है, एक ही है, ये नहीं हो सकता उससे ज़्यादा आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, और ये बहुत ही कम हो गया, इसलिए आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। ये नहीं कि 393.5 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पे कंबर्शन गिवन था, फॉर्मेशन पूछ लिया, राइट। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी वही सेम पॉइंट, कंबर्शन गिवन है, फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है। तो अगेन हमने आपको बताया, पहले फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखो, C2H6 आप लिख लो, इसका वन मोल आप करना ना भूलें, एक मोल। इधर आप कोई चेंज नहीं हो सकता, इधर चेंजेज होंगे, कार्बन है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट और हाइड्रोजन है इसका। कार्बन कितना चाहिए, दो, तो इधर टू कर सकते हो, और हाइड्रोजन छः चाहिए तो इधर थ्री कर सकते हो। इधर चेंजेज होगा, इधर नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना। नाउ इस रिएक्शन का जो भी इंथैल्पी चेंज होगा, वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 है, तो सिर्फ हमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चाहिए, और वो अगेन हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंबशन गिवन है। तो कंबशन के केस में अगेन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट में कौन कौन है, कार्बन उसका 2 लेना है, हाइड्रोजन उसका 3 लेना है। तो कार्बन का आपका यहाँ है, इसका 2 लेना है, तो अगेन ये 400 के आसपास है, तो अप्रॉक्स में माइनस 800 ले लो, 2 से मल्टीप्लाई किया तो। और हाइड्रोजन का 3 से करना है, ये 286 है, ये ध्यान रहे, तो 290 ले सकते हो, राइट। तो 3 टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स में 870 माइनस में रहेगा, तो आपको 800 और माइनस में 870, ये अप्रॉक्स में कितना हो गया, 1670 माइनस में। उसके बाद ये माइनस, अब आपको प्रोडक्ट में C2H6 का कितना है, माइनस में 1560, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1560, राइट। अब हमें क्लियर है कि माइनस आंसर आएगा, तो इसलिए प्लस वाला आपका ऑप्शन गया। अब यहाँ से ध्यान से देखो, तो ये कितना का डिफरेंस आ रहा है, अप्रॉक्स 80 के आसपास आ रहा है, राइट। तो 80 के आसपास ये है, फिर ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में, हाफ Cl2 गैस से Cl- एक्वस बनाना है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा, और ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि डेल्टा एच डिसोसिएशन 240 है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी माइनस में 350 है, और इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन माइनस में 380 है। तो यहाँ पे हेस लॉ लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको हाफ Cl2 गैस से Cl- डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते, तो इनडायरेक्ट वे में जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे, ध्यान से देखो, हाफ Cl2 गैस डेट मीन्स क्लोरीन क्लोरीन के बीच बॉन्ड बना हुआ है, उसको ब्रेक करना है, तो बॉन्ड एनर्जी, जो कि एनर्जी हमें देना पड़ेगा, इसलिए ये पॉजिटिव साइन से गिवन है। बट ध्यान रहे कि हमें एक मोल ब्रेक नहीं करना है, कितना करना है, हाफ मोल। क्यों? क्योंकि मुझे एक ही Cl- चाहिए, तो इसलिए जो भी बॉन्ड एनर्जी होगा वो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी आपको कितना गिवन है, 240 का हाफ, 240 बाई 2 मतलब 120, यहाँ पे एनर्जी हमें देना पड़ेगा प्लस में। फिर क्लोरीन गैस को एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो Cl- गैस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो कि आपको गिवन है माइनस में 350। फिर Cl- गैस को वाटर में डालेंगे, डैट इज हाइड्रेशन इंथैल्पी, तो Cl- एक्वस मिलेगा, और कितना है, तो माइनस में 380। तो आपको अभी बताया था, यहाँ से यहाँ जाओ या यहाँ से यहाँ जाओ, बात सेम रहेगी। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखो, 120 माइनस में 350 माइनस में 380, डैट इज माइनस में 610। नाउ ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं पे इस टाइप से रिएक्शन गिवेन हो और डेल्टा एच एक्स किलो जूल पर मोल है, तो इसका क्या मतलब हुआ। यहाँ पर मोल का मतलब है रिएक्शन का वन मोल। कैसे? क्योंकि डेल्टा एच में कुछ भी बताया नहीं, तो वो ओवरऑल रिएक्शन क्या, और उसके वन मोल का मतलब है जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, डेट मीन्स 2 मोल्स अगर मैं इसका लूँगा, 1 मोल इसका लूँगा, 1 मोल अगर इसका लिया और 3 मोल्स इसका बना, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसके लिए एक्स गिवन है। यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, ध्यान देना है, डेल्टा एच रिएक्शन का अगर गिवन है तो उसके रिएक्शन के वन मोल का मतलब है कि उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिस स्टोइकोमेट्री में गिवन है वही लेना है। बट अगर जैसे कहीं पर ऐसे लिखा है डेल्टा एच ऑफ ए इज वाई किलो जूल पर मोल, मतलब सिर्फ ए का बता दिया आप, सिर्फ ए का है, तो वाई किलो जूल पर मोल मतलब आप सिर्फ इसके एक मोल का, तो यहाँ पे एक मोल का मतलब एक मोल है। यहाँ पे भी बच्चे समझ लेते हैं वन मोल का मतलब इसका भी वन मोल, इसका वन मोल, इसका वन मोल, इसका वन मोल, ऐसा नहीं है। जो बैलेंस इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग वो होगा, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। सेकेंड थिंग कि सॉलिड के लिए पर मोल का मतलब होता है पर मोल ऑफ एटम, जैसे सल्फर, तो आपको एटॉमिक फॉर्म में 1 लेना पड़ेगा, एसेट नहीं लेना है। सिमिलरली एक रिएक्शन जो है वो कैन सेटिस्फाई मोर देन वन डिफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लिखा, ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को भी बता रहा है, यही इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन को भी बता रहा है, और यही रिएक्शन की इंथैल्पी हो जाएगा। तो अगर हमारा डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है तो एक से ज़्यादा को वो सेटिस्फाई कर सकता है।
एंड लास्ट पॉइंट कहीं पे अगर कैलोरीफिक वैल्यू बोले तो उसका मतलब होता है हीट पर यूनिट मास, वो भी ग्राम में। तो चूंकि हीट पर यूनिट मोल हम निकाल ही लेते हैं तो क्या करेंगे, उसके मॉलिकुलर वेट से डिवाइड कर दोगे तो कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगा। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में बॉन्ड एनर्जी के बारे में, और जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट मैं दूंगा उस ट्रिक्स एंड कंसेप्ट से आप बॉन्ड एनर्जी से आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली, करेक्टली एंड विद इन वन मिनट में कर लोगे। तो ध्यान से देखो, तीन ही पॉइंट है। पॉइंट नंबर वन कि बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव गिवन है तो इसका मतलब डिसोसिएशन एनर्जी गिवन आपको, डैट मीन्स जब बॉन्ड को आप ब्रेक कर रहे हो तो वो एनर्जी गिवन है, बाय डिफॉल्ट ये फिक्स है। अगर कहीं पे बॉन्ड एनर्जी निगेटिव वैल्यू गिवन है तो इसका मतलब एसोसिएशन हो रहा है, डैट मीन्स बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो जब भी बॉन्ड फॉर्म होंगे, मॉलिक्यूल क्लोजर आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब बॉन्ड को ब्रेक करना होगा तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पॉइंट नंबर वन वेरी सिंपल है। पॉइंट नंबर टू कि किसी भी रिएक्शन का इंथैल्पी हम बॉन्ड एनर्जी के इन्फॉर्मेशन से भी निकाल सकते हैं, जैसे फॉर्मेशन के इन्फॉर्मेशन से निकाल सकते थे, कंबशन से निकाल सकते थे, और एक और है कि बॉन्ड एनर्जी का अगर इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो उससे भी निकाल सकते हैं, और वो वेरी सिंपल है। डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ध्यान देंगे पहले रिएक्टेंट का लेना आपको, इनटू देयर स्टोइकोमेट्री, जितने भी रिएक्टेंट है सबके जो बॉन्ड बने हुए हैं उसको ब्रेक करने में कितना एनर्जी है, और उसका स्टोइकोमेट्री को मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस फेज चेंज, अगर कहीं पे फेज चेंज वगैरह हो रहा हो तो उसको भी लेना है। रीजन बिहाइंड, इसके पीछे रीजन, क्योंकि जो भी बॉन्ड फॉर्म होंगे या डिसोसिएट होंगे तो वो आइसोलेटेड गैसियस फेज में होना है, बस इस पॉइंट पे ध्यान देना बेटा। यहाँ पे गलती होती है बच्चों से कि कभी भी बॉन्ड को फॉर्म करना हो या बॉन्ड को ब्रेक करना हो तो वो मॉलिक्यूल, वो एटम, वो एलिमेंट किस में होना चाहिए, गैस फेज में होना चाहिए। इसलिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि सॉलिड उलिड में है कोई, कोई लिक्विड में, तो उसको गैस में लाना पड़ेगा, इसलिए फेज चेंज वाली एनर्जी को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा रिएक्टेंट साइड में। सेम वही चीज माइनस करना आपको प्रोडक्ट में, अब करना है तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इनटू देयर स्टोइकोमेट्री, प्लस अगर प्रोडक्ट में कोई ऐसा सॉलिड या लिक्विड वाला है तो उसका फेज चेंज एनर्जी। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, समझ गए बात। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस पे बेस एग्जांपल बताओ सर। तो फॉर एग्जांपल एक मैंने ये लिया C2H4 प्लस H2 गिव्स यू C2H6। बाय द वे अभी ये भी गैस फेज में है, ये भी गैस फेज में और ये भी गैस फेज में, इसलिए यहाँ पे फेज चेंज वाली एनर्जी नहीं आएगी। अगर कोई सॉलिड या लिक्विड में होता तो वो भी आ जाता। नाउ कैसे करना है, तो सिंपल इस टाइप के बॉन्ड एनर्जी पे बेस कभी भी क्वेश्चन आए तो पहले आप उसके पूरे खानदान वालों को दिखा दो, बात समझ गए मेरी, मतलब उसका पूरा ओपन स्ट्रक्चर बना दो जिससे आपको पता लगे। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो हमें कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, ध्यान से देखो 1, 2, 3, 4, चार CH बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो 4 times of 1 CH बॉन्ड एनर्जी आपको गिवन होगा, तो वो होगा, प्लस एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा तो वो भी, ये हो गया, प्लस रिएक्टेंट में ये भी है, एक HH बॉन्ड एनर्जी ब्रेक करना पड़ेगा तो वो भी। रिएक्टेंट के सारे जितने भी डिफरेंट टाइप के बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी आपको जरूर गिवन होगा, और कितना बॉन्ड ब्रेक करना उसको मल्टीप्लाई करना, और इनटू में अगर मान लीजिए कोई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता तो वो भी मल्टीप्लाई होता। तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट साइड का, माइनस प्रोडक्ट में ध्यान से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 CH बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो इसलिए 6 into 1 CH बॉन्ड की एनर्जी, और एक CC बॉन्ड को भी ब्रेक करना पड़ेगा तो 1 CC बॉन्ड एनर्जी, तो इसको माइनस कर देंगे तो इस रिएक्शन का इंथैल्पी आ जाएगा। यहाँ पे सब गैस फेज में था इसलिए कोई फेज चेंज वाला नहीं आया। अब स्मार्ट वे ऐसा है कि ध्यान से देखो 4 CH बॉन्ड इधर आप लेते और 6 CH बॉन्ड इधर आपको लेना पड़ता, तो स्मार्ट तरीका ये है टाइम बचाने के लिए कि ये माइनस हो जाएंगे तो 2 इसका CH बॉन्ड बच जाएगा, तो डायरेक्ट आप इसको ना लिख करके इसको लिखते C डबल बॉन्ड C की एनर्जी प्लस 1 HH बॉन्ड की एनर्जी, तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे माइनस, चूंकि 4 ये कैंसिल हो जाएंगे तो इसका 2 बच जाएगा, तो 2 CH बॉन्ड की एनर्जी और 1 CC बॉन्ड की, तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो ये सब ध्यान रखना, अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में कोई बॉन्ड कॉमन हो तो डायरेक्ट उसको सब्ट्रैक्ट करके ही पहले लिख लेना, बट ध्यान रहे ऑलवेज रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, ये ध्यान देना। जैसे कंबशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, ओनली फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था। नाउ नेक्स्ट
एक उस टाइप का भी एग्जांपल लिया जैसे सी प्लस ओ टू गिव्स यू सी ओ टू, तो विनो सी ओ टू गैस में होगा, ओ टू गैस में होगा लेकिन कार्बन सॉलिड में होगा, राइट। तो अब अगर मुझे इस रिएक्शन का इंथैल्पी लिखना है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रहे कार्बन सॉलिड में, तो इसको मुझे गैस में ले जाना पड़ेगा, तो इसलिए सब्लिमेशन एनर्जी वाला लेना पड़ेगा फेज चेंज। रिएक्टेंट का प्लस ऑक्सीजन का आपको दो बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो ओ ओ बॉन्ड, राइट। तो ये रिएक्टेंट का हो गया, माइनस प्रोडक्ट में यू नो सी ओ टू, राइट, तो आपको दो सी डबल बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो टू टाइम्स ऑफ सी ओ। तो आप देख सकते हो कि कितना इजी है इस तरीके से करना। तो अब मैं एप्लीकेशन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर वन में ए टू बी टू गिव्स यू टू ए बी, और इस रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ गिवेन है माइनस में 200 किलो जूल पर मोल, ए ए बी बी और ए बी का बॉन्ड एनर्जी का रेशियो गिवेन है 1.51, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए टू बताना है। और ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत मिस्टेक करता है, उसको पता भी नहीं लगता कि क्या मिस्टेक हो रहा है। पहला चीज, ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवेन है बेटा आपको, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे डिफाइन किया था, वन मोल के लिए, यहाँ कितना मोल बनाया ये टू मोल्स, बस ये पॉइंट का ध्यान रखना है। तो इसको दो तरीके से आप कर सकते हो, अगर ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है तो ये चूंकि टू मोल्स बना है, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच रिएक्शन क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो भी ए बी है वो तो इसीलिए टू टाइम्स ऑफ 200 डेट इज माइनस में 400, क्योंकि माइनस था किलो जूल पर मोल। पहले तो आपको ये, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, या फिर फॉर्मेशन में ही रहने देना है तो आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हो हाफ ए टू हाफ बी टू गिव्स यू ए बी, तब इस रिएक्शन का जो भी इंथैल्पी चेंज है वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी के बराबर है, डेट इज माइनस में 200 गिवन है। यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सर आपने हाफ से ये किया तो इसको भी हाफ करना चाहिए, बेटा ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही गिवन है, ये रिएक्शन की इंथैल्पी नहीं है, तो हमने फॉर्मेशन का फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखी है, उसके अकॉर्डिंग ये यही है, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन है, ऐसा नहीं कि मैंने हाफ से डिवाइड किया तो आप भी कर देंगे, राइट। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना, ये फॉर्मेशन गिवन है, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के भी हिसाब से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा। नाउ एक और क्वेश्चन कि सर ये कैसे पता लगा ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही है, एक तो ये लिखा हुआ है, दूसरा ध्यान से देखो, अगर मैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखता तो कैसे लगता, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट कौन है ए बी, और माइनस में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए टू बी टू, चूंकि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो इनका जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसको क्या मान सकते हो, एच टू सी एल टू गिव्स यू टू एच सी एल, तो इसका जो भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच सी एल के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एच टू का इंथैल्पी फॉर्मेशन जीरो बता रखा हूँ, सी एल टू का जीरो क्योंकि नेचर में ये अबंडेंट फॉर्म में इसी फॉर्म में मिलते हैं, और ये दो मोल्स एच सी एल है तो ये रिएक्शन के इंथैल्पी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर नहीं होगा, क्योंकि वन मोल करना है तो इसलिए वो चीज़ हमने किया। अब अगर यहाँ से निकालना चाहते हो तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो आपको मालूम ही है बॉन्ड एनर्जी का रेशियो गिवन है, मान लेते हैं कि वो रेशियो कॉमन फैक्टर एक्स है, तो क्या लिखोगे, एक ही बॉन्ड एनर्जी में एक्स प्लस एक्स बाई टू क्योंकि 0.5 है, राइट, माइनस में ध्यान देंगे टू टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी ध्यान देंगे माइनस में 400, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा आपको 3x by 2 minus 2x is equal to minus में 400, तो यहाँ से minus में x by 2 is equal to minus 400, तो x आ गया आपको 800, तो ये आंसर होगा आपका। एक तो ऐसे करने का तरीका है, या फिर फॉर्मेशन से करते हो तो फिर ये वाली रिएक्शन आपकी फॉर्मेशन है, राइट, ये डायरेक्ट रिएक्शन के अकॉर्डिंग में गया हूँ, लेकिन ध्यान देना कि इन्फॉर्मेशन मुझे फॉर्मेशन का गिवन था इसलिए उसको 400 करना पड़ेगा, क्योंकि इस रिएक्शन की एंथैल्पी 400 हो जाएगी। और अगर फॉर्मेशन से जाएंगे तो देख लो x बाई टू हो जाएगा, क्योंकि स्टोइकोमेट्री को भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस फिर से x बाई टू तो था ही 0.5 को, और फिर 2 हाफ तो x बाई फोर, माइनस में x बाई टू इज इक्वल टू हाउ मच 200, तो x बाई फोर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस में 200, तो यहाँ से भी x कितना आएगा आपको 800। तो कैसे भी करो आएगा वही, बट वही सब पॉइंट है कि इस चैप्टर में जो गलती होने के चांसेज है कि क्वेश्चन को आपने केयरफुली रीड नहीं किया, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर टू में C2H6 गिव यू C2H4 प्लस H2, डेल्टा H रिएक्शन का बताना है और सारे बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी गिवन है,
तो ऐसे क्वेश्चन में हमने बताया कि यहाँ पे ध्यान से देखो तो 6CH बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा और यहाँ पे 4CH बॉन्ड, तो इसलिए मैं उसको डायरेक्टली कर लूँगा, 2CH बॉन्ड बचेगा, तो डेल्टा H रिएक्शन में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2CH बॉन्ड मेरे को चाहिए राइट, और 1CC बॉन्ड चाहिए। इन सब को ऐड कर लेना माइनस प्रोडक्ट में, अब आपका 1C डबल बॉन्ड सी क्योंकि वो 4CH खत्म हो गए, और प्लस में 1HH बॉन्ड, सब आपको गिवेन होगा, आप कर दो 2×1CH बॉन्ड देख लो 414 प्लस CC बॉन्ड आप देख लो 347 माइनस आप C डबल बॉन्ड सी देख लो 611 और प्लस 1HH बॉन्ड आप देख लो 436, तो ये ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा आपको 1175 और माइनस ये आ जाएगा 1047 डेट इज 128। क्वेश्चन नंबर 3 में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज गिवन टू यू और टू कैलकुलेट CH बॉन्ड एनर्जी क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोला था आपको, क्या बोला था आप रिएक्शन लिख दो CH4 किस फेज में मिलेगा, गैस फेज में, फॉर्मेशन उसका 1 मोल, इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट वाला, और प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 2H2 गैस, तो ये है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन। अब इसका गिवन है आपको, बोल रहा है कि टू कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी, डेट मीन CH4 आपका ऐसे होगा, तो 1CH बॉन्ड एनर्जी निकालने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस रिएक्शन का जो फॉर्मेशन है यही इस रिएक्शन की इंथैल्पी भी हो गई। कैसे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 इज इक्वल टू, ये अगर इसका 1 मोल फॉर्म करना है ये तो 0 ही हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, हाइड्रोजन नेचर में अबंडेंट फॉर्म है और कार्बन ग्रेफाइट लेना है राइट। तो ये जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है यही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी के थ्रू। बट अब यहाँ पे ध्यान देना, बॉन्ड एनर्जी आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे फेज चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये सॉलिड में और हमें किस में चाहिए, गैस में, तो सब्लिमेशन चाहिए प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी चाहिए। तो इसको कैसे लिखोगे, इधर लिख रहा हूँ मैं कार्बन का सब्लिमेशन प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी, ये रिएक्टेंट का हो गया, माइनस में कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी, तो और दिस इज इक्वल टू, बाय द वे ये 4 टाइम्स हो जाएंगे, ये HH 2 टाइम्स हो जाएगा राइट, दिस इज इक्वल टू आपका जो गिवन था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये तो ये और ये मालूम होगा तभी मैं ये निकाल सकता हूँ क्योंकि इक्वल के उस साइन तो मालूम है, माइनस में 74.9 है। तो क्या क्या चाहिए, सब्लिमेशन प्लस हाइड्रोजन, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड सब्लिमेशन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सिर्फ बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन नहीं गलत हो जाएगा और आयनस एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज गिवन टू यू, HH बॉन्ड की एनर्जी गिवन है, NN बॉन्ड की एनर्जी गिवन है, तो NH बॉन्ड की एनर्जी बताना है। तो पहले तो अगेन फॉर्मेशन है तो उसका फॉर्मूला लिख दो, आपको क्या करना पड़ेगा, NH3 बनाना है गैस वाला और 1 मोल इसका राइट, ये ध्यान रहे इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो N2 तो लोगे बट एक ही नाइट्रोजन लेना है तो हाफ इधर करना पड़ेगा, H2 3 चाहिए तो H2 को 3/2 करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी चेंज है, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज इक्वल टू डेल्टा एच रिएक्शन भी हो गया, क्यों, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ NH3 माइनस इसका तो 0 हो जाएगा फॉर्मेशन और इसका भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये नेचर में ऐसे ही आपको मिल जाएंगे, तो ये हो गया और ये कितने के बराबर है, माइनस में 46 किलो जूल पर मोल। अब अगर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको पता लग गया है तो मैं बॉन्ड एनर्जी के थ्रू भी निकाल सकता हूँ, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ध्यान देना तो 1/2 times ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N की एनर्जी प्लस 3/2 times ऑफ H सिंगल बॉन्ड H की एनर्जी और दिस माइनस आपको 3 times ऑफ 1 NH बॉन्ड की एनर्जी जो निकालना है, दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच, माइनस में 46। यहाँ पे ध्यान रहे कि चूंकि बॉन्ड एनर्जी निकालना है हमें देना पड़ेगा एनर्जी, तो प्लस वाला होगा, तो ये दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट है। ध्यान दें यहाँ पे जो आपको HH बॉन्ड का माइनस गिवन है तो आप माइनस में मत पुट करना, क्यों, क्योंकि हमें बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एनर्जी देना पड़ेगा तो प्लस लेना है, यहाँ पे कन्फ्यूज करने के लिए उसने फॉर्मेशन वाला गिवन है। तो अगर HH को फॉर्म करने में 436 लगता है तो ब्रेक करने में क्या हो जाएगा, 436 राइट, साइन चेंज हो जाएंगे, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना। तो ये 1/2 times ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N गिवन है 712, माइनस मत पुट करना, प्लस 3/2 times ऑफ HH आपको गिवन है 436, माइनस
थ्री टाइम्स ऑफ, इसका मान लेते हैं जो निकालना है x इज इक्वल टू माइनस 46। तो आप देख सकते हो ये आपको कितना आ जाएगा 356 और ये कितना आ जाएगा 654, राइट, माइनस में 3x इज इक्वल टू माइनस में 46। तो यहाँ से आप x निकालोगे तो आपको आ जाएगा 352। कैसे, ध्यान से देखो, ये 1000 के आसपास पहुँच रहा है, उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 300 के आसपास। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ये तो पॉसिबल भी नहीं था। तो ध्यान दे, हमसे एक NH का पूछा गया इसलिए आंसर 352, तीन NH का पूछता तो फिर ये हो जाता। इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना बहुत ज़रूरी बेटा, सिली मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 5 में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O आपको गिवन था, राइट, और उसके बाद इन सब की बॉन्ड एनर्जी भी गिवन था, रेजोनेंस एनर्जी पूछा गया है। तो ये देख करके बच्चे डर जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, पहले जो बोला है वो लिख दो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O, तो फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखो N2O, उसका 1 मोल कर देना, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट नाइट्रोजन N2, एक ही ऑक्सीजन चाहिए तो O2। इस रिएक्शन का आपको एंथैल्पी गिवन है ΔH फॉर्मेशन, डेट इज हाउ मच 82। बस ये ध्यान रखना, ये जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है यही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी हो गया। कैसे, ध्यान से देखो, फॉर्मेशन N2O का माइनस, इनका तो जीरो हो जाएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्यों, क्योंकि नेचर में ये ऐसे मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आप इससे भी तो निकाल सकते हो, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन बॉन्ड एनर्जी गिवन है। तो मैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल लेता हूँ। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, बॉन्ड एनर्जी से निकाल रहे हैं तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में कौन है, नाइट्रोजन, एन ट्रिपल बॉन्ड एन वाला चाहिए, एक ही चाहिए, तो एन ट्रिपल बॉन्ड एन का गिवन है 946, प्लस ऑक्सीजन का हाफ चाहिए, ओ डबल बॉन्ड ओ का हाफ, क्योंकि स्टोइकोमेट्री 1/2 है, तो आपको 498 का हाफ करना पड़ेगा, तो 1/2 टाइम्स ऑफ 498, ये हो गया माइनस, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का आपको गिवन है 418 प्लस नाइट्रोजन ऑक्सीजन का 607। तो ये यहाँ से कैलकुलेट कर लो तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 946 प्लस ये कितना हो जाएगा 249 और माइनस ये 1025, राइट, तो ये कैलकुलेट करोगे तो आपको आ जाएगा 170। अब ध्यान से देखो, इस रिएक्शन का एंथैल्पी कितना आना चाहिए, 170 अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एनर्जी, आपको कितना मिला है 82। तो ये जो गैप है, ये गैप ही आपका क्या है, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी से ऑलवेज एनर्जी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इन दोनों का गैप, तो इन दोनों का गैप कितना हो जाएगा, माइनस में 88, तो आवर आंसर विल बी ए। जाते जाते ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या हीट ऑफ एटोमाइजेशन ΔH एटम लिख देगा, इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। अगेन मैं आपको वही बोलूंगा, आप डिफिनेशन पे ध्यान रखें, डिफिनेशन अगर आपका पक्का है तो फिर इस चैप्टर में गलती नहीं होगी। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कैसे डिफाइन करते हैं, 1 मोल सब्सटेंस का लेना है, ध्यान दें कितना, 1 मोल, और रिएक्टेंट साइड में रहेगा, कन्वर्ट करना इनटू आइसोलेटेड गैस एटम में, आइसोलेटेड होना चाहिए एकदम बिल्कुल, अब उसका किसी से कोई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, एंड गैस फेज में लेके जाना है, और इंडोथर्मिक होगा ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये भी ध्यान रखना ऑलवेज इंडोथर्मिक होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल H2 का 1 मोल लिया हमने, उसको ब्रेक किया तो 2H मिलेगा, राइट, तो ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हो गया। बाय द वे वही बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 के बराबर भी हो गया यहाँ पे, राइट, और वही क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H के बराबर भी हो जाएगा। डैट मीन्स इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी होगी, जो भी ΔH इस रिएक्शन का होगा, वही इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ H2 के बराबर होगा। ध्यान देना, H2 के बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 का होगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H का 2 टाइम्स, क्योंकि आगे नंबर 2 है, तो वही है, अगर डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो सब इक्वल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, इसका 1 मोल PH3 का लिया, तो इसको आपने P और 3H में कन्वर्ट कर दिया, बिल्कुल इसके एटम में, राइट, कन्वर्ट इनटू आइसोलेटेड गैस एटम, 1 मोल लिया आपने, इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी चेंज हुआ वो किसके बराबर हो जाएगा, ΔH एटोमाइजेशन ऑफ PH3, रिएक्टेंट के बारे में बताएंगे, और वो बाय द वे अगर हम ध्यान से देखें तो 3 pH बॉन्ड की एनर्जी को ब्रेक करने के बराबर है, तो 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ pH।
जो कन्फ्यूजन क्या होता है, बच्चे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को बॉन्ड एनर्जी के बराबर मान लेते हैं। ऑलवेज ऐसा सही नहीं है, कहीं पे हो भी सकता है कहीं पे नहीं भी हो सकता है, राइट। जैसे यहाँ पे 3 times के बराबर है, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। सिमिलरली कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस में जा रहे हैं, तो हमने क्या किया, 1 mole सब्सटेंस के लिए कन्वर्ट किया आइसोलेटेड, तो इसको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कार्बन सॉलिड का बोलेंगे, रिएक्टेंट का बताते हैं। और यही इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी होगा क्योंकि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा रहा है, यही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन गैस भी होगा क्योंकि ये आपको नेचर में ऐसे ही मिल जाएंगे, तो इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लेते हैं। और इस रिएक्शन में जो भी इंथैल्पी चेंज होगा वो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, सब्लिमेशन और फॉर्मेशन सबके बराबर होगा। तो वही चीज़ें अगर डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है तो आप इक्वल करते जाएंगे, डिफिनेशन पे ध्यान रखना है। इस पे बेस एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि डेल्टा एच एटोमाइजेशन ब्रोमीन लिक्विड का अगर एक्स है और बॉन्ड एनर्जी ब्रोमीन का वाई है तो एक्स वाई में क्या रिलेशन होगा। तो ध्यान देना है कि डेल्टा एच एटोमाइजेशन ब्रोमीन लिक्विड है तो उसको कहाँ ले जाना है, 2Br में, लेकिन कैसे, यहाँ ध्यान से देखो आइसोलेटेड गैस एटम में, तो ये कैसे जाएगा, तो पहले तो इसको Br2 गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेट इज वेपोराइजेशन एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, फिर यहाँ से आप दोगे तो आपका ये, तो ये एक्चुअली में बॉन्ड एनर्जी होगी, क्यों, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी का क्या फॉर्मूला था कि आपको गैस फेज में उसको ब्रेक करना है, ये ध्यान देना था, पॉइंट नंबर 3 हमने लिखा था, तो गैस फेज में ले जा करके ब्रेक करेंगे तब उसको बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा है एक्स और ये है आपका सिर्फ इतना वाई, तो डेफिनेटली एक्स क्या है, ग्रेटर देन वाई, तो ऑप्शन सी। इस टाइप के सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए PYQ में, इसलिए ध्यान रखना है डेफिनेशन पे बेटा। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा, थर्मोकेमिस्ट्री में बस इतना ही है, और अगर आप इसको अच्छे से कर ले तो, सारे PYQ कर ले तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली बन जाएगा। थैंक यू।